बेरे बेरे याम धुरा मनुष्य गदरी अलवश्यं बेरे 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 बिजले का एक ऐसा बाबा जो केवल छूने मात्र से लोगों की असाध्य बीमारी कर देता है। ठीक, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया में वायरल, थाने में भी पहुंचा आवेदन। सीधी जिले के अंतर्गत बहरी थाना के बहरी के ही रहने वाले बाबूलाल जायसवाल इन दिनों एक जादूगर बन गए हैं, जहां पर वे लोगों को फूंक कर ठीक कर देते हैं। उनके छूने मात्र से ही लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है, जिसके बाद लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बाबूलाल जायसवाल पेशे से एक कुछ भी काम नहीं करते हैं, वह सिर्फ लोगों को झूठ बोलना सिखाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने इस प्रकार का थाना में आवेदन दिया है, जहां पर यह मामला बाबूलाल जायसवाल से जुड़ा हुआ है, जो कि हिंदू धर्म को छोड़ देने के बाद क्रिश्चियन धर्म उन्होंने अपना लिया है, जिसके बाद वे लोगों को क्रिश्चियन धर्म में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में भोले भाले सीधी जनता को लूट रहे हैं, उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं और उन्हें झूठ बोलना सिखा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ अंधविश्वास का एक घर देखा जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तथा हिंदू संगठनों ने इस पर गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने थाना बहरी में पहुंचकर आवेदन दिया है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले बाबूलाल जायसवाल के ऊपर कठोर कार्यवाही करने के लिए कहा है। दरअसल यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। यह वीडियो कब का है, इस बात का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यह लगातार बहरी में क्षेत्र में खेल यह चल रहा है। और इसके बाद आज बुधवार के दिन मिली जानकारी के अनुसार थाने में आवेदन दिया है, जहां पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। भी तो उठेगा, अब ये तो सरासर सभी जानते हैं, यह कितना बड़ा एक अंधविश्वास फैलाने का एक जरिया बन चुका है। बोले भाले लोगों को नहीं, आज का मेन मुद्दा यह है कि बहरी में जो कोई बाबूलाल जायसवाल जी के द्वारा है, लगातार लगभग जानकारी के अनुसार हजार लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से मैं संख्या तो नहीं कह रहा हूँ कि हजार ही होगी, वो 2000 भी हो सकती है, वो शायद उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब ये जांच का विषय है थोड़ा कि कौन लोग आ करके और क्या कर जाते हैं, भोले भाले लोगों को लूट करके, और वो बेचारे डरे सहमे रहते हैं, वो चाह करके भी उसका खुलासा नहीं कर पाते हैं कि मैं खुद कहीं ना इस चीज में फंस जाऊं, मुझे ही ना फंसा दिया जाए। मतलब वो पीड़ित हैं, भुक्तभोगी हैं, लेकिन वो बेचारे सीधे साधे होने। भाई एक वीडियो भी वायरल हो रहा है बाबूलाल जायसवाल जी का, एक या दो, जिसमें वो झाड़ फूंक भी कर रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, आप इसमें आ जाओ, मैं मरे को जिंदा कर देता हूँ, बहुत सारी चीजें। व्यक्तिगत कोई व्यक्ति कुछ भी मानता हो, ये हमारा हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या वो मानता है, लेकिन वह जो मानता है वही सबको मनवाने लगे, यह गलत बात है, यह गैर न्यायिक बात है और गैर कानूनी बात है। तो आज ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, ऐसे लोगों को संविधान के उपयुक्त धारा के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आज आपने आवेदन दिया है, कार्यवाही की मांग की है, कार्यवाही और हमारे सारे कार्यकर्तागण यहाँ आकर के और टीआई साहब को इन चीज इन बातों से अवगत कराया गया है लिखित रूप से। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है और इस पर मैं चाहूँगा कि प्रशासन अपनी कार्रवाई तत्परता के साथ करे और लोगों को लूटने से बचाए, उनकी आर्थिक, सामाजिक और जो भी क्षति हो रही है। इस पे तो सरकार सख्त कानून भी बना दिया है। हाँ, इसके बाद भी इस तरीके का धर्मांतरण हो रहे हैं। कह रहा हूँ कि जो भी समुचित धाराएं हैं उन धाराओं पर प्रशासन अपना एक्शन ले और त्वरित कार्रवाई करे।